ये उग्रसेन की बावली है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। ये भारत और दिल्ली की जो पानी की परंपरा है और परंपरागत ज्ञान है, उसका एक नायाब उदाहरण है। हालांकि आज ये उदाहरण और आज ये जो बावली है वो एक पर्यटन स्थल में बदल कर रह गई है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है, समझते हैं इसे, इसका आज का जो संदर्भ है, आज का महत्व है वो क्या है और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। ये जो बावलियाँ होती थी, ये पानी के परंपरागत संरक्षण का जो है वो सिद्धांत को मानने वाली होती थी और पानी संरक्षित किया जाता था। उग्रसेन की जो बावली है, ये राजा उग्रसेन के द्वारा बनाई गई थी, जो अग्रवाल समुदाय के एक राजा थे। ये देखिए कितनी सुंदर बावली बनी हुई है। किसी ज़माने में यहाँ पानी को संरक्षित किया जाता था, पानी की पूरी परंपरा थी और पानी को सहेज करके उसे फिर से इस्तेमाल में लाया जाता था। इसे वाटर रिचार्ज किया जाता था, जो भूजल स्तर है उसे बढ़ाया जाता था। आज ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं और ये जो बावली है वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल में बदल गई है। इस बावली पर लोगों का ध्यान तब गया जब इसमें कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसमें सबसे प्रमुख फिल्म थी पीके। आमिर खान की जो फिल्म थी पीके, उसमें आमिर खान को यहाँ पे दिखाया गया था कि वो यहाँ पे बैठ के गाजर खा रहे होते हैं। वो जो जिस फिल्म में वो एक एलियन के किरदार में है, और उसके बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ गया। इसके आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से इनक्रोच हो चुका है, पूरी तरह से अधिग्रहण हो चुका है, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन ये बावली जो है उस प्रतीक के रूप में आज भी बच गई है। ये दिखाती है कि हमारा जो पानी के संरक्षण का तरीका था वो कितना सुदृढ़ था, कितना मजबूत था। हमारी पानी की जो परंपरा थी वो कितनी मजबूत थी। इतनी खूबसूरत ये बावली बनी हुई है, लेकिन आज इसमें पानी बिल्कुल न के बराबर बचा है। इसके अंदर जो कुआं है वो बिल्कुल गंदा हो गया है और यहाँ पानी संरक्षण का काम नहीं होता है। अब हम चलते हैं इस बावली में नीचे और देखते हैं कि ये जो कुआं है उसकी क्या हालत है, वो कितना गंदा पड़ा हुआ है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जो जल संरक्षण की परंपरा है उसके टूटने के कारण ही जल स्तर भारत का नीचे जा रहा है। ये देखिए ये कुआं है और इस कुएं की गंदगी आपको यह बताएगी कि हमारे शहरों का जल स्तर इतना बुरा क्यों है। इसके साथ ही ये भी बताएगी कि पानी की परंपरा के टूटने के बाद जो पानी के परंपरागत स्रोत हैं उनका क्या हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप सबको धन्यवाद।